ने देख लिया, मैंने कहा बाकी और क्या। पेरेंट्स ने देख लिया भाई, समझा दे तू तेरे पेरेंट्स को कि मैं ऐसे ऐसे किया था, तो अब सब ठीक हो गया है, कुछ ही नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ना, वो कोई आर्ट वीडियो या फिर कोई ड्राइंग फ्रैंक नहीं होने वाला। इस वीडियो में थोड़ा सा अवेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ गलत हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से, और कल तो मतलब हद ही हो गई। मैं पूरा सीन समझाता हूँ आप लोगों को, क्या हुआ है मेरे साथ और मैंने क्या किया है, और अगर आप होते मेरी जगह तो आप लोग क्या करते। तो अब आगे वीडियो को देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ है मेरे साथ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, स्केच वगैरह बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ। तो हो क्या रहा है कि कुछ लोग जो है वो आर्ट वर्क चोरी कर रहे हैं, चोरी करके अपने अकाउंट पे डाल रहे हैं और क्रेडिट ले जाते हैं। चलो ये तो एक अलग केस है, बट कल मेरे साथ जो हुआ है ना, वो ये हुआ है कि एक बंदा है जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में कन्वर्ट करता है किसी भी पिक को, और थोड़ी बहुत एडिटिंग करता है, अपने स्टोरी पर लगाता है और पूरा क्रेडिट ले जाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, काफ़ी दिनों से मेरे भी आर्ट वर्क्स चोरी हुए हैं, बट वो एक अलग केस है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट ये ज़्यादा हो रहा है कि फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया, या फिर किसी भी ऐप का यूज़ करके और स्केच में कन्वर्ट कर लेते हैं, फेक स्केचेस में, वो पता लग जाता है आराम से देखने से। बट फिर भी काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं जो उन्हें क्रेडिट दे देते हैं, अपनी स्टोरी में लगा देते हैं, और भाई उनके फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं जो ये सब कुछ फेक कर रहे हैं। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं पूरी स्टोरी समझाता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में दो रीसेंट केसेस दिखाता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो सबसे पहला केस तो ये है कि एक बंदा है जो वेबसाइट वगैरह और ऐप से कोई भी फ़ोटो लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ब्लैक एंड वाइट में, मतलब ऐसी कन्वर्ट करता है कि वो जो फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट होके एक नोटबुक पर प्रिंट हो जाती है। और वो बंदा मेरे पास मैसेज करके कहता है, भाई मैंने अपना ड्राइंग स्टार्ट कर दिया है और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। फिर जब मैंने उसके स्केच देखे तो पता लगा भाई ये तो सब कुछ फेक है, और ये सब कुछ मुझे इसलिए पता है क्योंकि आज 2 साल पहले मैं भी फेक करता था सब कुछ, बिकॉज़ बड़े बड़े क्रिएटर और इन सब का क्रेडिट लेने के लिए। बट फिर काफ़ी लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया और गालियाँ वगैरह पड़ने लगी, तो फिर मैंने उसे बंद कर दिया। काफ़ी पोस्ट अभी मिल जाएंगी मेरे अकाउंट पर बहुत पुरानी जो किसी और की हैं, बट अब मैंने उसमें क्रेडिट दे दिया है, तो ये एक अलग बात है। बट वो बंदा मेरे पास मैसेज करके कह रहा है कि भाई सपोर्ट कर दो, प्रमोट कर दो, और मुझे तो पता है कि ये सब फेक है, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रमोट भी कर देते हैं, सपोर्ट भी कर देते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर मैं अब बताता हूँ कि मैंने उस बंदे के साथ क्या किया और कैसे सब प्रूव किया कि वो सब फेक स्केचेज़ है। उस बंदे को वो मानने को ही तैयार नहीं था कि ये फेक स्केचेज़ है। वो कह रहा है कि ये सब मैंने ही बनाए हैं, मैं अभी सीख रहा हूँ, पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ। और भाई 3 महीने से, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बना दिए तूने 3 महीने की प्रैक्टिस से, इतना कर दिया कि एकदम जो रियल है और जो तूने अपने जो स्केच कह रहा है, मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लग रहा है दोनों में, इतना इम्प्रूव कर दिया। कहता है भाई मैंने दिन रात मेहनत की है और ये सब किया है। देखो भाई मैं 4-5 साल से लग रहा हूँ, मेरे से ऐसे स्केचेस नहीं बन पा रहे, तो भाई तुमसे कैसे बन पा रहे हैं। तो फिर मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने उससे कैसे बात की और सब कुछ। और फिर उसने मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम से लेके और वहाँ पे आके भी कह रहा है कि भाई तूने क्या कर दिया, और मतलब वल्गर लैंग्वेज लिख रहा है। तो अब देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट्स में देखो, मैंने उस बंदे से ये भी कहा कि मैं मान लूँगा कि तूने ये सब कुछ फेक नहीं किया, रियल है, जो तूने बनाया वो एक बार अपने हाथ में लेके और मुझे दिखा दे, मैं मान लूँगा। और जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखी है कि इस बंदे को रिपोर्ट कर और ये सब करो, क्योंकि ये फेक स्केचेस बना रहा है। तो भाई उसने फिर से वही एडिटिंग करके, वो सिंपली वही एक लड़की नोटबुक पकड़ रखी है गोवा वाले बीच पे, और ऐसे सब उसने एक भेज दिया मुझे, कहता है ये मैं हूँ और ये मैंने ही बनाया है सब कुछ। फिर भाई आगे आगे उसने मुझे व्हाट्सएप पे भी ऐसे उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया, आप स्क्रीनशॉट में देख ही रहे होंगे। बट एट द एंड उसने मान लिया कि हाँ ये मेरी गलती है और ये सब कुछ, और आज के टाइम में उसने अकाउंट बंद कर दिया है। मेरे को तो अभी दिखता नहीं है, बट उसके बाद मैंने देखा भी नहीं है, बट उसने अकाउंट बंद कर दिया। अब उस टाइम पे तो बंद कर दिया था उसने, अब दोबारा चालू कर लिया होगा तो पता नहीं। बट मैंने इस केस में ये किया भाई, मतलब ना मैंने उसको पूरा प्रूव कर दिया कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम थोड़ा बहुत एडिटिंग करके ऐप वगैरह का यूज़ करके और पूरा क्रेडिट ले जा रहे हो। तो उस बंदे ने मान ली अपनी गलती एट द एंड, और इस केस में मैंने ये किया। अगर आप लोग होते तो क्या करते, मुझे कमेंट करके बताओ। और अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ जो कल हुआ है मेरे साथ।
भाई सेकंड केस समझने से पहले ना आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं। जो स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले आप देखो, और स्केचेस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको दिखा रखे हैं, मेरे स्केचेस जो मैंने बनाए हैं, और स्केचेस और इलस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। जो सेकंड केस है वो पूरा इसी पर टिका हुआ है। भाई अब मैं आपको पूरी चीज़ समझाता हूँ कि कल क्या हुआ है मेरे सामने, मैंने देखा है। तो एक यूट्यूबर है ध्रुवी नंदा नाम करके, वो ओमेगल वीडियोज़ बनाती है और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं उनके, 6 लाख सब्सक्राइबर्स है, और कल ही उनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। तो एक बंदा है, उसका यूज़र नेम है योर मॉर्निंग गाय, मतलब नाम इतना अच्छा है और काम इतना ख़राब कर रहा था वो। तो उसने ध्रुवी नंदा का एक फ़ोटो ली, उसको ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट की, थोड़ी बहुत एडिटिंग की, और कहता है कि ये इलस्ट्रेशन है मैंने डाली है। उसने क्या किया है और कैसे बनाया वो डाला है मैंने। तो ये मैंने देखा कि ध्रुवी नंदा को मैं भी फॉलो करता था, अभी किया मैंने कुछ दिन पहले ही। तो उन्होंने स्टोरी लगा रखी कि बहुत अच्छा बनाया है उस बंदे की, जो उसने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके और कह रहा था इलस्ट्रेशन है। तो भाई मैंने तुरंत गया और मैंने स्टोरी लगाई कि ये सब फेक कर रहा है, और ध्रुवी नंदा मैम को मैंशन किया स्टोरी में कि ये गलत है, ये फेक स्केचेज है। और 10 मिनट बाद ही उस बंदे का मैसेज आता है, वो गाली लिखता है, मतलब एक प्लेस में मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है यहाँ पे, आप पढ़ लेना कि वो क्या लिखता है। फिर मैंने मतलब स्टोरी में उससे एकदम प्यार से बात की, मैंने कहा कि ये गलत है और सब कुछ, स्टोरी जो मैंने डाली थी उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप देखो। फिर भाई वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि भाई ये आपने कभी सुना है कि डिजिटल आर्ट्स इलस्ट्रेशन क्या होती हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल सुना है। फिर कहता है कि आज के टाइम में स्केचेस वगैरह कोई नहीं बनाता है, सब लोग इलस्ट्रेशंस डिजिटल आर्ट्स ये प्रेफर करते हैं, ये पुराने टाइम में बनाते थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई। फिर कहता है कि आप कोई प्रूफ दिखाओ कि आपने कितनी अर्निंग की है स्केचेस बना के और ये सब। फिर मैंने उसको प्रूफ दिखाया कि मैंने इतनी अर्निंग की है, मैं मतलब कमीशन आर्ट वर्क्स भी लेता हूँ। तो फिर मैंने कहा आप दिखाओ कि आप कितने कमीशन आर्ट कर चुके हो अभी तक और क्या कर चुके हो। तो भाई वो कहता है मुझे कि मैं गरीब नहीं हूँ, जो गरीब होते हैं वो करते हैं कमीशन आर्टवर्क्स, मैं तो बहुत अमीर हूँ और मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, तो आप गरीब हो और आप इसलिए कमीशन आर्टवर्क्स कर रहे हो भाई। फिर मैंने स्टोरी लगाई एक और कि देखो ये ऐसे कह रहा है कि जो लोग गरीब हैं वही ये सब करते हैं कमीशन आर्टवर्क्स, तो उस पर काफ़ी आर्टिस्ट ने रिएक्ट भी किया था। फिर भाई मैंने उस बंदे से कहा कि आप प्रूव कर दो मुझे कि ये जो आप कर रहे हो ये असल में इलस्ट्रेशंस ही है। मैंने उसके पास कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, कुछ अकाउंट्स भेजे जो असल में इलस्ट्रेशंस थी, डिजिटल आर्ट्स थी। मैंने कहा ये होती है इलस्ट्रेशन डिजिटल आर्ट्स, और ये जो आप कर रहे हो ये डिजिटल आर्ट इलस्ट्रेशन ही है, थोड़ी बहुत एडिटिंग है, आप इसको एडिटिंग कह सकते हो, भी थोड़ी बहुत, मतलब ये बच्चा भी कर सकता है एडिटिंग ऐसी। तो भाई बिलीव मी 1 घंटे तक बात हुई उससे मेरी, और वो प्रूव ही नहीं कर पाया कि ये डिजिटल आर्ट है और वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो कहता रहा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, आप ही गलत हो, आपसे को गलत फहमी हो गई है। ठीक है भाई, फिर वो बंदा व्हाट्सएप पे आता है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लेता है इंस्टाग्राम से, और फिर वहाँ पे भी आके कहता है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, मेरी स्टोरी डिलीट कर दो, जो भी तुमने लगाई है कि ये सब कुछ फेक है। मैंने कहा प्रूव कर दो फिर मैं डिलीट कर दूंगा, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। वो बंदा मेरे पास कॉल करता है और कॉल करके भी यही सेम बात कहता है। तो भाई फिर मैंने और स्टोरीज लगाना शुरू कर दी, जो और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके पास स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर दिया, एक दो बड़े अकाउंट्स थे जिनके रीच ज़्यादा थी या फिर जिनके पास ज़्यादा ऑडियंस थी, मुझसे ज़्यादा ऑडियंस थी, उन्होंने भी स्टोरी लगाना शुरू कर दी। तो भाई फिर ध्रुवी नंदा मैम ने भी देखी काफ़ी लोगों की स्टोरी, फिर भाई वो बंदा घबरा गया लिटरली भाई। फिर कॉल मैंने सारी रिकॉर्ड करी है जो भी उसकी और मेरी बातचीत हुई है, फिर रोने पे आ गया था वो बंदा और कहने लगा कि यार मेरे घर वाले देख लेंगे तो डांटेंगे, आप प्लीज़ इसे डिलीट कर दो, ऐसे मत करो। फिर ये देख के मैंने अपनी स्टोरीज भी डिलीट कर दी। तो बोल दिया यार, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पेरेंट्स में देख लेना बाकी है क्या है, पेरेंट्स में देख लेना, मैंने कहा बाकी है क्या, पेरेंट्स में देख लिया। हाँ तो भाई बोल दे, भाई समझा दे तू तेरे पेरेंट्स को कि मैं ऐसे ऐसे किया था, तो अब सब ठीक हो गया है, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने उस बंदे से कहा कि आप एक स्टोरी लगा दो इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करके कि आप ये जो कर रहे हो वो गलत है और ये सब कुछ एडिटिंग है, मतलब स्केच नहीं है। तो उसने वैसा कर दिया और बात यहाँ तक ख़त्म हो गया। मैंने देखा तो उसने अपने सारे अकाउंट वगैरह, मतलब उसका एक ही जो अकाउंट था योर मॉर्निंग गाय करके, उसने वो डिलीट कर दिया।
और पोस्ट वगैरह भी नहीं दिख रही थी मुझे, तो मैंने मेरे दोनों अकाउंट से देखी। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मतलब दिल से बुरा लगता है कि जब कोई आपके सामने आर्ट वर्क जो है वो फेक तरीके से अपलोड करता है या फिर किसी और के चोरी करके करता है। मेरे आर्ट वर्क्स भी चोरी हुए हैं, काफ़ी बार चोरी हुए हैं, बट मुझे बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई फेक करके आर्ट वर्क्स और इतना बड़ा क्रेडिट ले जाता है। तो यार ये गलत है। एग्जाम्पल कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपकी आंखों के सामने कोई बंदा गलत काम कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, या फिर आपका क्रेडिट ले जा रहा है सारा, तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे क्या? तो ऐसा ही मैंने भी किया है यहाँ पे, और अगर आप होते मेरी जगह तो क्या करते? और मैंने ये जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं यार बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपके चाहे 1 फॉलोअर हो, 1,000 फॉलोअर हो, 1,00,000 फॉलोअर हो, कितने भी फॉलोअर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप एक्शन लो कि अंदर से ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत कर रहा था और मैंने इसके अगेंस्ट एक्शन ली, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया, उस बंदे के मुझसे डबल ट्रिपल फॉलोअर्स थे, मेरे 700 फॉलोअर्स और उसके 3,000 2,500 ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं, बट हाँ वो डर गया था 600 फॉलोअर्स में भी। तो आप ऐसे मत करो कि मेरे तो कम फॉलोअर्स है उसके ज़्यादा और वो गलत काम कर रहा है। तो अगर आप सही काम कर रहे हो तो डरना नहीं चाहिए, बस एक्शन ले अगर वो गलत काम कर रहा है तो। बस इतना ही बताना चाहता हूँ मैं, जितने भी बड़े छोटे आर्टिस्ट हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक्शन लो अगर आपके सामने कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है तो, जैसे मैंने किया है। आप अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो वो करो। फिर यार कल इनको देख के 2 लोग और खड़े हो जाएंगे जो किसी और का स्केच चुराएंगे या फिर फेक तरीके से ऐसे सब अपलोड करेंगे, तो यार ये सब गलत है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं मिलता हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में नए किसी आर्ट वर्क के साथ। बाकी बस।